पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में गुरुवार को श्रीलंका के चर्च में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा की गई और छात्राओं द्वारा एक परिचर्चा कार्यक्रम का भी आयोजन कराया गया, जिसमें छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब, कोई दीन, ईमान, देश प्रेम नहीं होता। ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट एक साथ खड़े होकर इसका विरोध भी करना चाहिए। कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि आप किसी की जान लें। श्रीलंका में हुए आतंकवादी हमले की हम निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता सिंह द्वारा श्रीलंका में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन व्रत रख कर अपनी संवेदना जाहिर की। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं के साथ भारी संख्या में शिक्षक भी मौजूद रहे। आज विद्यालय में जो श्रीलंका में नरसंहार हुआ है और बम धमाका हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। और विशेष आज हमने वो जो लोग जिन्होंने कि संसार से कूच कर लिया, उनके प्राणों की शांति के लिए, उनकी शांति के लिए एक प्रार्थना सभा रखी है और साथ में श्रद्धांजलि रखते करते हैं उन सारे लोगों को। लेकिन विशेष हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के मन में ऐसी घटनाओं के प्रति क्या उद्गार है, और आज उन्हीं उद्गारों को सुनने के लिए हमने बच्चों को भी आमंत्रित किया है ताकि उनके भाव जान सकें। और आज ही से उनके मन में ये बात डाल दें कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, और नैतिकता का भाव यदि भरा जाएगा, इंसान का इंसान से प्रेम सिखाया जाएगा, तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और सरकार से भी हम ये अपील करते हैं कि आतंकवाद का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए, जड़ से खात्मा किया जाए, जिससे कि ये संसार शांतिपूर्वक अपने स्थान में रह सके।